रहीम, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम यहाँ पर इस्लामियात की फील्ड वर्क कर रहे हैं सर अंसार मदनी साहब की क़ियादत में। यहाँ पे फूड और न्यूट्रिशन दो ग्रुप्स बन गए हैं। हमारा टॉपिक भी ये है कि हॉर्टिकल्चर इन जीवी एंड हॉर्टिकल्चर इन पाकिस्तान। तो आइए मैं आपको यहाँ कुछ दिखाता हूँ। ये जो है आप फूड वाले यहाँ पे आज सुबह से लगे हुए थे, कुछ उन्होंने अपना काम का आगाज़ किया है और उसके बाद अपनी अगली क्लास में वो गए हैं। तो दूसरा ये न्यूट्रिशन की, सर आप मेरे दो मिनट के लिए इधर आएँ। ये न्यूट्रिशन की क्लास है, क्लास का सीआर है जो क्यादत कर रहा है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई आप? ठीक हो? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर आप सीआर न्यूट्रिशन की क्यादत में, आपका ये बहुत खूबसूरत काम हमें नज़र आ रहा है, कहाँ तक ये जाए तकमील होगा? इसका स्टार्टिंग तो खैर अभी लिया है, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन मिक्सअप होकर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा था कि मदनी साहब ने न्यूट्रिशन को अलग किया और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वालों को अलग किया। ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे तकरीबन 50% काम मिलने को, तकरीबन दो तीन दिन एक दो दिन के अंदर ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हमने ये सोचा है कि यहाँ पे कुछ पौधे लगाएंगे, पाकिस्तान के अंदर जो स्पेसिफिक जो प्लांट वो लगाएंगे, और पौधे लगाने के बाद तकरीबन हमारा काम जो बेस्ट होगा वो फ्रूट के ऊपर। सही। फ्रूट के ऊपर ये काम होगा कि उसकी एक न्यूट्रिशनल व्यू क्या होगी, क्या होगी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ, फिर उसका इस्लामियात के साथ क्या ताल्लुक है वो सर आपको बताएंगे। ठीक है, हमारा आज का दिन था एक्सपीरियंस के लिहाज से, आज कुछ हमने किया है, हम आपके साथ कल फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू जमील भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।